हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं झारखंड से बिहार। तो ये हमारा इंटर स्टेट ट्रैवल होगा। तो फिलहाल हम हजारीबाग में हैं और यहाँ से हमें जाना है पटना, जो कि बिहार में है। तो ये अनलॉक के टाइम पे हमारा ट्रैवल कैसा रहेगा, ये एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हम ट्रैवल कर रहे हैं टाटा एल्ट्रोज में। तो हमारे साथ है ओटिस। आ गया। हाँ, बस हो गया। अरे हो गया बाबा, इतना हाय नहीं बोलना है तुमको। ठीक है, चलो 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 पीछे चले जाओ। हाँ सेट। और आज है 19 जून और अभी बज रहा है 8:30। तो 8:30 बजे हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं और इंटर स्टेट के लिए हमें पास चाहिए। तो पास बनवा लियो। मेरे साथ रह के बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। संगति का सर। तो चलिए देखते हैं हमारी जर्नी कैसी होती है और आप अपना एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे और टाटा एल्ट्रोज के साथ हम सफर करेंगे। तो अभी हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। मैप वगैरह सब सेट हो गया है, सब चीज ठीक है। तो चलिए अब आपको हम अपनी जर्नी के साथ आगे लेकर जाते हैं। मिलेंगे एक भी दम तुझे, कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। हजारीबाग से पटना जाने के टाइम में जो ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 43 किलोमीटर ड्राइव किया है, जिसमें एवरेज माइलेज जो दिखा रहा है एल्ट्रोज का एग्जैक्ट पेट्रोल वर्जन है 22.6 किलोमीटर पर लीटर। सो अभी देखते हैं। अभी रोड अच्छा है और हमारा स्पीड जो था 80-100 था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो 80-100 की स्पीड में ये 22.6 का माइलेज अभी दिखा रहा है 43 किलोमीटर तक। सो इसको देखते हुए अभी देखते हैं कि आगे का डिस्टेंस में ये माइलेज मेंटेन रहता है उतना या कम होता है, तो ये भी चीज़ आज चेक कर ही लेते हैं। वैसे मैंने टैंक टू टैंक पेट्रोल का इसका माइलेज चेक किया था जो मुझे 18 दिखा रहा था, बट अभी इसका 22.6 आ रहा है। और इसमें जो अपडेट ECU अपडेट था AL04 हुआ है सेकेंड सर्विस के टाइम में। तो चलिए आगे देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस, कैसा माइलेज रहता है गाड़ी का। और सीन भी देख लीजिए, बहुत ही मस्त रोड है और चारों साइड हरियाली है, मौसम भी पूरा एकदम मस्त है। चलिए आगे मिलते हैं। यहाँ से पटना का डिस्टेंस 192 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी हम लोग बरही पहुँचे हैं। बरही से लेफ्ट टर्न लेके गया रोड को कनेक्ट कर रहे हैं GT रोड से कनेक्ट करने के लिए। आ गया गड्ढे में रोड।
रसोईया धमना बरही टोल प्लाजा। हजारीबाग से पटना के लिए ट्रैवल करते वक्त ये एक टोल प्लाजा है जो कि हमें रास्ते में मिलता है। अब हमारी बारी है निकलने की। बस अब निकल गए। ओटीस कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? घूमने जा रहे हो? जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। चौपारण पहुंचे हैं और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारिश भी शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी जोर का बारिश नहीं हो रहा है, हल्का ही बारिश है। देखिए अभी हम लोग यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, बारिश धीरे धीरे थोड़ा तेज भी हो रहा है। हम लोग जब चौपारण से थोड़ा आगे निकले हैं तो बारिश भी काफी तेज हो गया है। ये देखिए इधर, हम लोग अभी एल्ट्रोस से ट्रैवल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं रास्ते में बारिश काफी तेज शुरू हो गई है। तो हमारी रेड कलर की एल्ट्रोस कार है। एल्ट्रोस में रेन सेंसिंग वाइपर्स लगे होते हैं, तो आप देख सकते हैं वाइपर ऑटोमेटिक काम कर रहा है, तो रेन का जो क्वांटिटी होता है उस हिसाब से वाइपर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अगर बारिश काफी तेज है तो वाइपर्स बहुत ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा और बहुत ही जल्दी जल्दी वाइप करने का काम करेंगे। और अगर बारिश नॉर्मल है, उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वाइपर्स का फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा कम रहेगा। इसमें आपको वाइपर्स ऑटोमेटिक भी हैं और इसमें आपको मैन्युअली भी वाइपर्स एडजस्ट करने का ऑप्शन रहता है। अगर आप जब चाहें तब आप वाइपर्स को यूज कर सकते हैं, पर जब हेवी रेन हो रहा हो तो ऑटोमेटिक वाला बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज इसमें रेन सेंसिंग सेंसर्स लगे होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आइए देखते हैं जब रेन की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये कैसे काम करता है। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। और ये वीडियो ना फास्ट फॉरवर्ड है ना इसको रिड्यूस किया गया है, ये अनकट वीडियो है, तो आप इसमें देख लीजिए। देखिए अभी रेन ज्यादा है तो जो वाइप करने का फ्रीक्वेंसी है वो तेज हो गया है। देखिए जो पीछे वाला वाइपर है वो अभी ऑन नहीं है, तो जब आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं मिले तो आपको उसको ऑन करना होगा। ये देखिए फ्रंट वाइपर्स ऑन है और पीछे वाला वाइपर ऑन करने के लिए आपको यहाँ से एडजस्ट करना होगा और उसके बाद ऑन हो जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं, ये देखिए अब पीछे वाला वाइपर भी काम करना शुरू कर दिया है।
तो बेटर विजिबिलिटी के लिए आपको जब भी जरूरत महसूस हो आप यहाँ से उसको टर्न ऑन कर दीजिए। ये देखिए मेरा ओटिस, ओटसु बैठ गया तू। ओटिस का वो टॉवेल है उसके ऊपर सो गया है क्योंकि वो अपना पिलो भूल गया है। ओटिस के लिए हमने ये ऑनलाइन खरीदा है, तो ये शीट कवर्स जो है वो सीट कवर ये पेट्स के लिए होते हैं। ओटिस तुम बैठ गए हो, सीट कवर कैसे दिखेगा? देखिए तो ये क्या है, आपके आपका जो बैक सीट है आप वहां पे इसको लगा दो, और साइड से भी आपको यहाँ से ऑप्शन देता है लगाने का। और बहुत सारे में ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रंट वाला नहीं होता है, लेकिन हमने वो भी लिया है जो फुली कवर्ड करे। तो देखिए ये साइड से भी कवर करा है, ये इसके लिए एक बैग के जैसा बन गया है, और इसके अंदर ये आराम से बैठ सकता है और सो सकता है। देखिए ये मेरा ओटिस बैठा है आराम से अपने बैग के अंदर। देखिए इसका बैग जो है ये इस तरह से दिखेगा, वहां से आप हैंग कर दीजिए, और ये इधर से भी आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे कवर मिलेगा, तो सामने से भी ये कवर कर देगा और पीछे से, मतलब बैक सीट पे आपको चारों साइड से ये कवर कर देगा, तो आराम से आपका पेट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा, और आपका जो सीट कवर है कार का वो भी कुछ खराब नहीं होगा। ऐसे मेरा ओटिस कुछ खराब नहीं करता है ना ओटसु? ओटस तुम कुछ नहीं खराब करते हो ना, तो गुड बॉय है, ये बहुत गुड बॉय है मेरा ओटिस। आप देख सकते हैं माइलेज जो कार का दिखा रहा है मुझे वो 23.5 है, और ऑलमोस्ट मैं हजारीबाग से पटना के लिए निकला हूं, तो ऑलमोस्ट मैंने 95 किलोमीटर का जो है ट्रैवल किया है। सो कंटिन्यू 95 किलोमीटर मैंने 1800 की स्पीड में ही चलाया है और सिटी मोड में चलाया है, और गाड़ी जो अभी तक है कंटिन्यू मेंटेन 23 का माइलेज है। तब बोलिए कि और 4 किलोमीटर में 100 हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि माइलेज गाड़ी की जो है वो बेहतरीन है अभी, और हाँ माइलेज जो है वो कम हो जाएगी पटना पहुंचते पहुंचते, क्योंकि बीच में जो बहुत सारे मार्केट्स से होके जाना पड़ता है, तो उस मार्केट में आपको बार बार गाड़ी रोकना है, चलाना है, रोकना है, चलाना है, तो उसमें जो है मीटर में माइलेज आपको कम मिलेगा। कम फिर भी तो मिनिमम आपको ये सिटी में जो है 16 और 15 तक का माइलेज देगा, और हाईवे पे आपको आप देख ही सकते हैं हाईवे पे किस तरीके का माइलेज हमें मिल रहा है इस कार से। सो माइलेज में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप स्पीड भी मैंने 80 100 ही चलाया है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है इस गाड़ी में, अगर मैं एक्सलेटर को जो है वो बार बार जोर से पूरा प्रेस करके, जो हम लोग के इधर बोलते हैं रपेट रपेट के चलाना, तो वैसे अगर चलाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है 15 से ऊपर माइलेज नहीं देगी हाईवे पे, फिर भी ये 15 दे देती है वैसे चलाने पे। और अगर आप 100 से नीचे चलते हैं या 100 तक में चलते हैं तो आपको 23 का माइलेज मिलेगा, मतलब फिलहाल अभी 23 है, अभी देखते हैं अभी और कुछ किलोमीटर बाकी है, माइलेज वहीं पे स्टे रहता है या घटता है वो देखेंगे, और लास्ट में आपको अपडेट करेंगे गाड़ी ने माइलेज हमें कितना दिया हाईवे पे। और फिर उसके बाद जब हम सिटी में एंटर करेंगे तो सिटी में पटना पहुंचते तक में फिर आपको हम लास्ट में बताएंगे कि माइलेज इसका कैसा है। चलिए आगे मिलते हैं। तो अभी हम लोग डोभी गया पहुंच गए हैं। जाना है
व्हाट इज देख सकते हैं माइलेज जो है वो सेम 23 ही हमें आ रहा है, 23.6 था या 5 था शायद, सो अभी 23.1 हुआ है क्योंकि ये जो रोड है वो रोड वन वे है और बार बार हमें गाड़ी धीरी करनी है, फिर आगे बढ़ाना है, फिर रोकना है, वैसा ही चल रहा है। तो अभी 23 का माइलेज। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताने के लिए भूल गया था, जितने टाइम मैंने ड्राइव किया अभी तक 112 किलोमीटर जो ड्राइव किया मैंने, वो एसी फुल टाइम एसी जो है वो ऑन था, एसी ऑन में ये 23 का माइलेज दे रहा है, मतलब एसी मैंने ऑटोमेटिक पे सेट किया हुआ है तो टेम्परेचर के हिसाब से वो चल रहा है अपना। तो अभी हम सिटी में एंटर करेंगे कुछ देर में, तो उसके बाद देखते हैं आगे, हम एंड में आपको दिखाएंगे कि सिटी में टोटल कितना माइलेज आया, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर और है, अराउंड 128 किलोमीटर और है पटना। सो 128 किलोमीटर जो है, बीच में कम से कम 7-8 छोटे छोटे मार्केट्स आते हैं और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। सो अभी तो लॉकडाउन है, मतलब कम रहना चाहिए, अब देखते हैं उस जगह पे कैसा देता है माइलेज। और इधर का रोड भी जो है वो उतना अच्छा नहीं है, बना हुआ है बट ये बरसात में पोल खुल जाता है कि रोड कैसा बना है। सो रोड उतना ठीक नहीं है, कहीं कहीं पे ठीक नहीं है। सो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको बताएंगे लास्ट में कि गाड़ी का माइलेज सिटी में कैसा रहा। हाईवे पे आप देख लिए 23 देता है और सिटी में आपको भी दिखाएंगे कैसा देता है। अभी हम यहाँ पर रुके हैं, ये देखिए हमारी अल्ट्रोज कार यहाँ पर खड़ी है, ओटिस वहाँ घूम रहा है। तो हम यहाँ पे इस होटल में रुके थे, फैमिली रेस्टोरेंट है, अच्छा है, यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज भी मिलती है, लोकेशन भी काफी अच्छा है। देखिए हाईवे के बगल में है ये, तो यहाँ पे हम चाय पिए हैं और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हम फिर से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, मेरा हैंडसम हंक आ चुका है। वो थोड़ा जम गया। ओटिस चलेंगे, जाएंगे जाएंगे आगे जाएंगे। ये देखिए कैसा हो गया। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम होटल से निकलकर कुछ आगे बढ़ चुके हैं ड्राइव करते हुए, और आगे साइन बोर्ड दिख रहा है तो अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है, जब पास आता है तो देखते हैं कि कौन सी प्लेस का कितना डिस्टेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर से दिखा रहा है महाबोधि मंदिर और डिस्टेंस दिखा रहा है 2 किलोमीटर। तो आइए इसी रास्ते पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सिटी के मार्केट एरिया से क्रॉस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं आगे पीछे पूरा ही व्हीकल्स है, छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, रोड पूरा ही जाम है, साथ में बारिश भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी रुक रुक कर चल रही है, जैसे अभी गाड़ी रुक गई है। तो अभी आपको माइलेज दिखा देते हैं, अभी हमें मिल रहा है 21.7 का माइलेज और हमने ट्रैवल किया है डिस्टेंस 145.7 किलोमीटर।
तो आगे भी हम इसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे कि हम इस जर्नी में हाईवे, ओपन एरियाज, फिर ऐसा मार्केट एरियाज और कुछ ऐसे रोड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गड्ढा है वो सब क्रॉस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में माइलेज कैसे डिक्रीज हो रहा है या फिर हाईवे पर ट्रैवल करने पे कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो हम आपको इसके बारे में फिर जब और भी डिस्टेंस कवर करेंगे तो अपडेट ज़रूर देंगे। हम आप तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए, कुछ खा रहे तो हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खाए हैं, हम लोग होममेड पास्ता लेकर आए थे। आस्ता का पास्ता वो हम लोग खाएंगे और उसके बाद हम लोग पियेंगे क्या, मैंगो शेक पियेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा बारिश अभी भी हो रहा है तो पहले थोड़ा पेट पूजा किया जाए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ओटिस क्या कर रहा है देखिए, ओटिस आराम से बैठा है। भूख लगा है ओटिस? नहीं, ओटिस ऑलरेडी खा पी के पूरा मस्त है, उसको भूख भी नहीं लगा है, पूरा खा पी के मस्त बैठा है इसलिए वो परेशान नहीं कर रहा है। तो अब खाते हैं। देखिए ये देखिए इस भुखड़ को, ये देखिए तो अभी हम लोग पास्ता खाने के बाद और मैंगो शेक पीने के बाद निकल गए हैं। ओटिस भी आ गया है, फिर से जग गया है। तो अब हम लोग ये जर्नी कंटिन्यू रखेंगे, अब हम लोग कहीं पे भी ब्रेक नहीं लेंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ इस जर्नी का आनंद उठाते रहिए। देखिए ओटिस, ये देखिए कॉन्सेंट्रेट क्यों है ये देखिए यहाँ जेसीबी मशीन से ट्रक पे जो मिट्टी लोड है उसकी खुदाई चल रही है। ओटिस तुम देखा, देखिए इधर का मिट्टी कैसा हो गया है बारिश से भींग भींग कर। अभी हम लोग पहुंचे हैं बेला, तो अभी ओटिस तुमसे मिलने कौन आ रहा है? देखिए ओटिस से मिलने कोई आ रहा है, ओटिस तो पूरा आगे देखिए कैसे कर रहा है, तो देखते हैं कि ओटिस से मिलने कौन आ रहा है। रुको, देखो देखो ओटिस को, देखो बिठा दे, बिठा दे, चलिए ना। कहाँ? ओटिस मम्मी आई है, ओटिस मम्मी आई है, चलो चलो मम्मी के। कौन आया है ओटिस? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? देखो मम्मी पर जाओ, किसी दे दिया चल आ जाओ पीछे, चल जाओ पीछे, चल पीछे, चल तो हम लोग अब बेला से आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पर साइन बोर्ड में आप देख सकते हैं जहानाबाद 12 किलोमीटर दिखा रहा है, मसौढ़ी 36 किलोमीटर। तो अभी हम लोग जहानाबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
बारिश के कारण रोड पे पानी जम गया है, आप देख सकते हैं ये जो मॉनसून ब्रेक हुआ है उसके कारण। तो आगे हमें साइन बोर्ड दिख रहा है जहाँ पर मेंशन किया हुआ है पटना 56 किलोमीटर। तो अभी हमें पटना सिटी पहुँचने के लिए 56 किलोमीटर और भी ट्रैवल करना होगा। तो यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई कि हमने धनरुआ रोड पकड़ लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड में गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढों में ही रोड है, इतने सारे गड्ढे हैं और बारिश के दिन में कौन सा गड्ढा कितना गहरा है पता नहीं चलता है क्योंकि उसमें पानी भरा होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वो वाला रोड अवॉइड करें क्योंकि इस रोड से जाने से आपको कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ बहुत सारे गड्ढों से आपकी मुलाकात होगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कितने सारे गड्ढे हैं। तो आप धनरुआ रोड ना पकड़ें पटना जाने के लिए। इतना गंदा रास्ता में इतना स्टैंडर्ड बोर्ड लगा के रखा है। ठीक गोल घर 20 किलोमीटर 28 किलोमीटर जीरो मैं नहीं लिखा बुद्ध स्मृति पार्क 25 किलोमीटर तो यहाँ हो गया कि खजूर से गिरे और पेड़ पर लटके, गड्ढों से निकले और जाम में फंसे। वाह भाई वाह। ये देखिए सामने जो ब्लैक शर्ट में भाई साहब हैं वो साइड से निकलना चाह रहे हैं, एक बच्चे को बैठे हुए हैं और एक लेडीज है, पर जहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं वहाँ सिर्फ कीचड़ है। तो देखते हैं वो निकल पाते हैं या नहीं। आगे बढ़ने की कोशिश में तो लगे हुए हैं। ये देखिए ब्रेक मारे, ये देखिए अभी तो गिरा ही देते बच्चे को और वो जो लेडीज है उनको। खैर वो उतर गई तो चलिए बच गई, वरना कीचड़ में ही गिर जाती बच्चे को लिए हुए। अब वो अकेले आगे निकल रहे हैं। अभी हमारा घर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पे है और ट्रैफिक तो उतना नहीं मिला, बट फिर भी हल्का फुल्का ट्रैफिक था सिटी में। और उसके बाद इस जो रूट हमने गलती से एक गलत रूट पकड़ लिया और उस रूट का जो रास्ता था वो बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब। तो माइलेज जो है कार का 249 ड्राइव किया है जिसमें से आपका अराउंड 150 और 160 किलोमीटर जो है वो हाईवे था, मस्त चिकना हाईवे था, उस पर माइलेज जो है वो 23 का हमें आया। और ख़राब रोड ट्रैफिक और सिटी ये सब में घूमने पे माइलेज जो है अभी 18.6 का आ रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं। तो गाड़ी अगर आइडल ऐसे ही खड़ी रहती और इंजन स्टार्ट रहता है तो उसमें भी माइलेज आपको कम होता जाता है। तो एल्ट्रोज का जो माइलेज है वो अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है।
बहुत ही बढ़िया माइलेज दे रही है गाड़ी। उन्हें करेगा तो आगे वाला मुंह करने जाएगा, सब ऐसे ट्रैफिक का पुलिस बन जाएगा। धुंधर जैसा मुंह लेके वो ढकेल रहा है, देखो कैसे जाएगा गजा वाला लड़ा लेकर उन्हें घुमाने के लिए साले को उन्हें मुंह घुमाएगा तो उन्हें वाले रिवा टकराएगा ना, इन्हें कैसे चल जाएगा। डक प्लेट खड़ा हो गया सारी दाम ये देखिए सामने, मतलब कितना बड़ा सा गड्ढा है, कितना पतला रोड है और इतना बड़ा सा गड्ढा है। वहीं पे पुआल रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं वो छोटा मैजिक जो है, वही सामान ढोने के काम में जो आता है, वो एक साइड में उल्टा पड़ा हुआ है। मतलब इतना पतला रास्ता है, ऊपर से इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, पूरा मिट्टी और कीचड़ है। तो ऐसा प्लेसेस सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट को ही इन्वाइट करता है, और ऊपर से टू वे है। देखिए कितना परेशानी हो रहा है, मतलब व्हीकल्स को क्रॉस करने में। उसी में बाइक आ रहा है, ऑटो आ रहा है। अभी आप वीडियो को ध्यान से देखिए, जो सामने से ऑटो आ रहा है उसके पीछे एक टोटो है जो कि अभी उलट गया। देखिए वहां पे अभी उलट गया है, वो पूरा लोग वहां गिर गए हैं। देखिए यहाँ पे लोग गिर गए हैं। जाम तो बिल्कुल यही लोग लगाते हैं, मतलब अपना लेन छोड़कर दूसरे के लेन में घुस जाएंगे तो इधर से जाने वाला आदमी भाई जाएगा कैसे। देखिए अपने लेन में सब कुछ चलेगा तो दूसरे लेन से तो एटलीस्ट व्हीकल्स क्रॉस होगा। ऊपर से बुला रहे हैं, आओ आओ उड़ के चले जाना है आज। अभी थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर हुआ है, पर आगे भी वही हिसाब किताब है। फिर कहाँ घुस गए हो लेके, घुस रहा है। देखो यही सब जाम करता है, कहाँ घुसेगा। थोड़ा भी दिमाग नहीं है, नॉनसेंस है। ए बढ़ाओ ना, तो गाइस हम लोग पटना पहुंच चुके हैं और आपने इस वीडियो में देखा कि हमारी जर्नी कैसी रही है। तो ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो हमारी जर्नी अच्छी रही है,
और साथ ही इस वीडियो में हमने एंट्रोस के कुछ फीचर्स को भी कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।